और जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से बिहार के लोगों को निशाना बनाया है। आतंकवादियों ने रविवार की शाम को कुलगांव के वनपोह इलाके में 3 बिहारी मजदूरों को गोली मार दी। हमले में 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 1 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। मरने वालों की पहचान राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव के रूप में की गई जबकि हमले में जख्मी हुए शख्स का नाम चुनचुन ऋषिदेव बताया जा रहा है। ये लोग अररिया जिले के रहने वाले थे और बताया जाता है कि 3 हमलावरों ने वनपोह मार्केट में स्थित इनके मकान में घुसकर मजदूरों पर फायरिंग कर दी थी। घटना के बाद हमलावर मौके से भागने में कामयाब हो गए और हादसे में घायल 2 मजदूरों को अस्पताल पहुंचाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 1 को गंभीर हालत में कुलगांव के जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। बताते चले कि बिहार के 2 मजदूरों की हत्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी हमले में मारे गए बिहार के ये 2 मजदूरों की घटना काफी दुखद है। सीएम ने इस निर्मम हत्या को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर भी बात की और वो लगातार बिहार के रहने वाले लोगों को ही हत्या पर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और बिहार के सिवान जिले में एक प्रेमिका ने प्रेमी के घर में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। मामला जिले नगर थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ले का है और मृतक की पहचान रामनगर सतपोखरिया महादलित बस्ती निवासी ललन के पुत्री कुसुम कुमारी के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि प्रेमी युवक राजन अपनी मां के साथ रामनगर में किराए के मकान में रहता था जहां पर वो मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था और ऐसे में ग्रामीणों के अनुसार युवती कुसुम कुमारी का युवक रंजन से प्रेम प्रसंग था। इस दौरान इस बात से अनजान परिजनों ने दोनों की शादी किसी और से कर दी तो वहीं शादी के कुछ ही दिन बाद रंजन ने अपनी पत्नी को विक्षिप्त होने के चलते छोड़ दिया था। जिसकी भनक कुसुम को लगी तो उसने भी अपना ससुराल छोड़कर राजन से शादी करने की जिद पकड़ ली। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुसुम कई सालों से राजन के घर आ जा रही थी लेकिन राजन अभी शादी करना नहीं चाह रहा था जिसको लेकर दोनों में कुछ कहासुनी हो गई और इस विवाद के बाद राजन कुछ काम से घर से बाहर चला गया। पर इसी बीच कुसुम ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली है।